बोले माँ मुझसे वरदान मांग लो, लेकिन याद रखो एक ही वरदान दूंगा। अब बुढ़िया तो सोच रही कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो मांग लूँ मेरी आंख मिल जाए, फिर मांग लूँ मेरे बेटे के नाती हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, फिर मांग लूँ कि बड़ा घर परिवार धन संपन्न हो। अब देवता कह रहा है एक ही वरदान दूंगा। अब देखो बुढ़िया माँ की चतुरता। बुढ़िया माँ ने कहा हे प्रभु अगर एक ही वरदान देना चाहते हो जो जरा ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में खीर खाती हुई देखना चाहती हूं, कृपा करके ऐसा वरदान दे दीजिए। मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में, बताओ धन संपन्न होगा तो सोने का कटोरा होगा, नाती होगा तो देखे और आंख होगी तो देखेगा, आंख होगी तब ना देखेगी अम्मा, एक ही वरदान में। और एक दूसरा वरदान सुनो, तीन प्राणी थे, बूढ़े बुढ़िया और एक बेटा, बड़े दुखी थे, पैसा था ही नहीं। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती वहां से जा रहे थे और जब जा रहे थे मैया को आ गई दया। मैया बोली दया कर दो इनको भी कुछ दे दो। बोले कहां से दे दूं इनके भाग्य में है ही नहीं। बोले आप दो और इनको न मिले। बोले देव तो सही, अरे बोले है ही नहीं, मैं दे भी दूं तो लेंगे ही नहीं, मिलेगा, आप देने की कोशिश तो करो। बोले सुनो अभी देते तुम्हारे आगे, यही बात है ना, तुम बिलीव नहीं करती हो हमारी बातों पे, चलो दिखाते हैं तुम्हें। अब गए, बोले देखो हम तुम तीनों से बड़े खुश हैं, एक एक वरदान मांग लो। शंकर भगवान बोले हम शंकर भगवान हैं, एक एक वरदान मांग लो, जिसको जो चाहिए सो ले लो। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, आप मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज मैंने सुना है बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है। तो बोले महाराज कोई बुढ़ापे में साथ नहीं देता है और अब यहाँ से आगे तो और बुढ़ापा आएगा, अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तो इनका भी स्नेह मुझे नहीं मिलेगा। हे प्रभु ऐसी दया कर दो मैं 16 साल की जवान हो जाऊं। शंकर भगवान बोले तथास्तु। 55 साल की अम्मा, बढ़िया ब्यूटीफुल 16 साल की कन्या हो गई। अब भगवान ने पतिदेव से कहा देवता तुम मांगो। देवता ने कहा देखो ये देवी कितनी विचित्र है, मुझ बूढ़े को छोड़ के खुद जवान हो गई है, ये जवान हो गई तो अब ये जवानी में मुझे कहाँ पसंद करेगी है। अरे राम राम राम, इसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। चलो ये तो अच्छा हो गया कि इसने वरदान पहले मांग लिया, अब बारी मेरी आ गई। तो उसने कहा प्रभु जो मांगू सो दे दोगे? बोले वही दूंगा। बोले कृपा करके एक वरदान दे दो, इसे कुतिया बना दो। ये जो आपने 16 साल की बनाई है इसे कुतिया बना दो। भगवान बोले एव मस्तु। अब उस कान थोड़ी 15-20 मिनट भी नहीं रही होगी 16 साल की, बुढ़िया से भी नीचे आ गई, कुतिया बना दी। अब वो बालक खड़ा था, कभी तो कुतिया को देखे, कभी वो पापा को देखे, कभी पापा को देखे, कभी उसको देखे। भगवान बोले अब तुम्हारी बारी है, वरदान मांगो। वह देख देख के बोले अच्छा वरदान मांगे, मैं तो मैया हो गई, मैं तो आते मैया हो गई, मैंने अच्छा वरदान मांगे ये मेरे मैया और बावन ने। बोले प्रभु मुझे कछु ना चाहिए, मेरी तो मैया पहले जैसी कर दे, जैसी हतिकाई। शंकर भगवान बोले तथास्तु। और झट चल दिए पार्वती मैया ते पूछी तीन दए काऊ कछु मिलो, तीन दए वरदान, और वहीं खड़े हैं जहां पर पहले थे वरदान से पहले, किसी को मिला तो नहीं? जिनके भाग्य में है ही नहीं उन्हें तुम देने की भी कोशिश करो तो मिलेगा ही नहीं।